गुड इवनिंग एवरीवन, आवाज आ रही है तो कंफर्म कर लो एक बार। ठीक है, तो हम लोग जो अभी तक पढ़ रहे थे वो हम लोगों ने देखा फर्स्ट लॉ, जिसमें हमने वेरियस जो प्रोसेसेस हैं हमने वो भी देखा, और उसके बाद हमने डिस्कस किया अबाउट वंडर वाल्स गैस। हमने डिस्कस किया किस तरीके से जो है द रियल गैसेस आर डिफरेंट फ्रॉम द आइडियल गैसेस, करेक्शन इन प्रेशर, करेक्शन इन वॉल्यूम, ये हमने देखा, और उस पर किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं हमने ये भी देख लिया। और उसके बाद आपको मैंने मिक्सर के जो टेम्परेचर होते हैं मैंने उसके प्रॉब्लम्स कराए थे आपको कुछ, और उसके अगर डाउट्स होंगे तो मैं उसको क्लियर करूंगा आपके। ओके, सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, हम लोग आज बात करेंगे अबाउट एंट्रोपी। ओके, बहुत ही इंटरेस्टिंग है आपका, फॉर्मूला तो छोटा सा आपका है बट कॉन्सेप्ट इसका इंटरेस्टिंग है एंट्रोपी समझने के लिए। तो हम लोग समझते हैं कि एंट्रोपी होता क्या है, अपने शब्दों में हम उसको कोशिश करेंगे समझने के लिए, और उसके बाद आप उसको जानेंगे समझेंगे। और एंट्रोपी से रिलेटेड आपका फिर आएगा आपका हीट इंजन, और हीट इंजन के साथ आपका फिर आपका हो जाएगा, उसमें प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। ठीक है, तो देखो एंट्रोपी क्या है, हम लोग ये लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इन सिंपल वर्ड्स एंट्रोपी क्या होता है आपका। ठीक है, सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो आपका है, ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो आपका है इट्स ए स्टेटमेंट ऑफ कंजर्वेशन ऑनली। ठीक है, क्या बोलता है आप कहां पे कि जितना भी आप हीट सप्लाई करोगे सम हीट गोज टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी एंड सम हीट इज यूटिलाइज्ड इन डूइंग सम वर्क। ठीक है, डी क्यू इज इक्वल टू आपको क्या हो गया, डी यू प्लस डी डब्ल्यू। ओके, तो ये आपको मिलता है फर्स्ट लॉ से, इट इज बेसिकली सिंपली द ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। ओके, अब इसमें कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हैं आपको, ठीक है, कि फर्स्ट लॉ से ही हम सारी बातें एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। उसमें से सबसे पहला बात तो ये है कि ये डायरेक्शन जिसके प्रॉब्लम्स हैं वो क्या आपका है, डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो ये नहीं बताता आपका, यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो नहीं बतलाता है, इट ओनली टेल्स कि जब तक आपका एनर्जी कंजर्वेशन है तो इस लॉ के अनुसार अकॉर्डिंग टू दिस फर्स्ट लॉ दैट प्रोसेस इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल ऑल्सो पॉसिबल अगर कंजर्वेशन हो रहा है तो। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मान लो कि 50 डिग्री सेल्सियस का आपका एक बॉडी है, एक आपका 20 डिग्री सेल्सियस का बॉडी है आपका, यहाँ पे आपने इनको कॉन्टैक्ट में रखा, यहाँ पे कॉन्टैक्ट में रखा, तो 50 वाला क्या आपका होगा एनर्जी कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, यहाँ पे 50 टू 20 फ्लो करेंगे, फाइनली मान लो ये 25 डिग्री, ये भी क्या आपका 25 डिग्री पे आ गए, है ना, ऐसा। ओके फाइन, ये प्रोसेस क्या आपका है सही है अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन लॉ, आपका ये एनर्जी कंजर्व हो रहा है। इसका अगर मैं रिवर्स कर दूं, अगर मान लो आपका ये 50 डिग्री सेल्सियस हो गया, ये 20 डिग्री सेल्सियस आपका ये है, अब मैं क्या कह रहा हूँ कि सपोज कि एनर्जी आपका क्या है 20 से 50 पे जा रहा है, और फाइनली ये जो आपका था वो 60 डिग्री सेल्सियस पे हो गया, और ये कितना हो गया 15 डिग्री सेल्सियस पे हो गया, ऐसा सपोज मान लो, ठीक है, या फिर 10 डिग्री सेल्सियस पे हो गया आपका यहाँ पे। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ये प्रोसेस भी क्या आपका है वैलिड है, क्योंकि इसमें भी तो मेरा क्या है एनर्जी कंजर्व हो रहा है आपका यहाँ पे, एनर्जी कंजर्व हो रहा है आपका यहाँ पे। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ सिर्फ ये बतला रहा है कि एनर्जी कंजर्वेशन जब तक हो रहा है, जब तक एनर्जी कंजर्वेशन का रूल वायोलेट नहीं हो रहा है तब तक वो प्रोसेस क्या है एक्सेप्टेबल है, वो प्रोसेस क्या है वैलिड है आपका, हो सकता है सब। ठीक है, लेकिन हम देखते हैं कि ये प्रोसेस जो है हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, ये प्रोसेस का कभी भी नहीं होता आपका यहाँ पे, मीन्स लोअर एनर्जी लोअर स्टेट से, लोअर टेम्परेचर वाले स्टेट से हायर टेम्परेचर वाले स्टेट पे एनर्जी, हीट एनर्जी अपने आप कभी फ्लो नहीं करती है। आप कभी बाहर से एक्सटर्नल वर्क कर लो जिस पे आपका ये रेफ्रिजरेटर वर्क करता है आप कहाँ पे, ठीक है, तो अगर बाहर से किसी एक्सटर्नल एजेंसी से आपने वर्क किया और उसके थ्रू आपका हो गया ये प्रोवाइड हो, ऐसा फ्लो कर सकता है बट बाय इट्सेल्फ कभी ऐसा फ्लो नहीं करता आपका। ठीक है, तो फर्स्ट फेलियर आपका ये था फर्स्ट लॉ में। उसके बाद सेकेंड लॉ इसमें फर्स्ट में फिर से आपका ये क्या था कि एक है जैसे मान लो कि आप अपने हाथों को रगड़ते हो, अभी ठंड का मौसम आ रहा है, अभी आप क्या कह रहे हो अपने हाथों के इस तरह से रगड़ोगे, है ना,
तो क्या आपकी होती है इसमें हीट प्रोड्यूस होते हैं आपको, इसमें आपको हीट प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो हमने जब हाथों को रगड़ा तो क्या किया हमने यहाँ पे मैकेनिकल वर्क किया, जितना भी वर्क किया हमने वो सारा का सारा वर्क क्या होगा हीट में कन्वर्ट हो गया बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन, वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन, ठीक है। तो मैकेनिकल वर्क जो आपका है, मैकेनिकल वर्क कन्वर्ट्स 100% इंटू हीट, 100% इंटू हीट हो गया आपका यहाँ पे, ठीक है। या फिर एग्जाम्पल लो कि आपका ये कोई ब्लॉक है आपका, मान लो कुछ स्पीड से आपका मूव कर रहा है और सपोज इसमें काइनेटिक एनर्जी कितना आपका है 10 जूल काइनेटिक एनर्जी है और फाइनली फ्रिक्शन वाला सरफेस आपका यहाँ पे फ्रिक्शन सरफेस ऑफ सरफेस, तो फाइनली कहीं पे जाके क्या आपका हो जाएगा स्टॉप कर जाएगा, तो इसकी टोटल एनर्जी कितनी आपका हो गई, जीरो हो गई, ठीक है। तो जो एनर्जी 10 जूल था पहले इसके पास वो एनर्जी गया किधर, फिर किधर गया आपका, तो आप देखोगे किधर कुछ जब ये इस पे बॉडी जब सरफेस मूव कर रहा था तो इस पे आपका ये कुछ आवाज भी आ रहे होंगे, ठीक है, कुछ आवाज आपका आता है, साउंड एनर्जी आपका आ गया, ये सरफेस कुछ लिटिल बिट क्या आपका हो गया गर्म हो गया होगा बिकॉज ऑफ द वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन, तो इसमें कुछ हीट एनर्जी जनरेट हुआ कहाँ पे, तो ये जो 10 जूल एनर्जी था वो या तो साउंड में कन्वर्ट हो गया या फिर क्या आपका हो गया हीट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। यानी मैकेनिकल वर्क का 100% कन्वर्जन क्या आपका है पॉसिबल है हीट एनर्जी में, ठीक है। लेकिन इसका रिवर्स जो आपका है कि हीट एनर्जी को भी क्या हम लोग हीट को हम लोग क्या 100% कन्वर्ट कर सकते हैं मैकेनिकल वर्क में, मैकेनिकल वर्क में, तो ये नहीं कर सकते हम लोग, ये कभी ऐसा पॉसिबल नहीं होता आप कहाँ पे कि हीट एनर्जी को हम 100% मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर लें। अगर ऐसा होता कि हम हीट एनर्जी से 100% कन्वर्ट कर पाते तो अपने इन्वायरमेंट के जो टेम्परेचर है हम वहां से हीट लेते और अपना सारा वर्क हम क्या कर लें, अपना मोटरसाइकिल बाइक जहाज जो भी आपको उड़ाना है, जो भी आपको करना है परफॉर्म करना है, वर्क परफॉर्म करना है, वो सारे वर्क आप क्या करते परफॉर्म कर लेते अगर आप ऐसा होता तो, ठीक है। अगर ऐसा होता तो हम सारा वर्क अपना परफॉर्म कर लेते, और चूंकि हमारा इन्वायरमेंट जो आपका है आपका ये इन्फाइनाइट रिसोर्स है आपका यहाँ पे, ठीक है, इससे खत्म नहीं होता, तो फिर तो हमें किसी एनर्जी की जरूरत ही नहीं पड़ती, है ना, ना पेट्रोल ना डीजल ना किसी दूसरे इलेक्ट्रिसिटी ना किसी की भी जरूरत नहीं पड़ती, हम सिर्फ इसी इन्वायरमेंट से हम क्या करते हीट एनर्जी एक्सट्रैक्ट करते और अपना काम हम करते जाते यहाँ पे, है ना। लेकिन ऐसा होता है क्या, ऐसा नहीं होता है आपका, ठीक है। तो ये भी क्यों नहीं होता है इस बात को दिस फर्स्ट लॉ फेल टू एक्सप्लेन, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, फेल हो गया आपको एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। सो देयर आर सम डिमेरिट्स जिसमें मैंने दो डिस्कस किया आपको यहाँ पे कि एक डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो ये नहीं बता पाए और दूसरा कि ये जो आपका हीट को 100% हम मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट क्यों नहीं कर पाते हैं ये भी ये नहीं बता पाए। सो ये दो तीन डिमेरिट्स आपको फर्स्ट लॉ में, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब भी कोई लॉ फेल होता है इसका मतलब क्या हो गया कि हमें एक नए लॉ की, एक तो पहली बात हो गई एक नए लॉ की जरूरत पड़ती है हमें, ठीक है, कि जो इस बात को क्या कर पाए एक्सप्लेन कर पाए कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा, ऐसा क्यों नहीं हो रहा, ठीक है। तो एक नए लॉ की जरूरत पड़ती है और साथ ही साथ हम जब कोई नया लॉ बताते हैं तो हम क्या करते हैं उसके साथ एक नई प्रॉपर्टी भी ऐड करते हैं कि हाँ ऐसा कुछ होता होगा कहाँ पे, जैसे न्यूटन ने देख लिया कि भाई एप्पल गिर रहा है इधर जमीन की तरफ गिर रहा है पेड़ से टूट करके, तो क्यों गिर रहा है, तो उसने बोला कि हाँ ठीक है कोई मास वाली प्रॉपर्टी होती है, तो एक नया प्रॉपर्टी ऐड हो गया कहाँ पे कि मास आ गया, मास आ गया तो फिर ग्रेविटी आ गई, इस तरीके से एक नया न्यूटन का लॉ बन गया कहाँ पे, फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ थर्ड लॉ इस तरीके से बन गए, ठीक है। तो जब भी कोई थ्योरी फेल होती है तो एक नई थ्योरी आती है और जब भी नई थ्योरी आती है तो एक नए कॉन्सेप्ट और नए प्रॉपर्टीज के साथ आपको आती है, तो इन चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास जो हम बोल रहे हैं कि एक नया लॉ हमने इंट्रोड्यूस करा दैट इज योर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, और जो नई प्रॉपर्टी हमने इंट्रोड्यूस करी इसको हम क्या बोलते हैं एंट्रोपी, इसको हम क्या बोल रहे हैं एंट्रोपी, ठीक है। तो जो न्यू लॉ हमने डिस्कस जो हमने इंट्रोड्यूस करा दैट इज योर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, और जो हम न्यू प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं जो हम इसको हम इस ये क्यों नहीं हो रहा है, ये क्यों नहीं हो रहा है इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, उसको हम बोलते हैं एंट्रोपी, ठीक है। तो देखो इन सभी को बोलते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस, मतलब ये प्रोसेस जो है सिर्फ एक डायरेक्शन में क्या होते हैं फ्लो होते हैं, मतलब एक डायरेक्शन में परफॉर्म करते हैं, जैसे आपका वर्क कन्वर्ट हो गया 100% लेकिन हीट क्या आपका है 100% कन्वर्ट नहीं हुआ आप कहाँ पे, ये आपका सिर्फ इधर से इधर पॉसिबल आपका इधर से इधर पॉसिबल हुआ नहीं अपने आप से, है ना। वैसे और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मान लो कि आपके हाथ से अंडा टूट के गिर गया एग, ठीक है, वो टूट के बिखर गया, तो कैसा हो सकता है कि आपका फिर से जुड़ जाए आपका अपने आप, नहीं जुड़ेगा कहाँ पे, कभी नहीं जुड़ेगा आप कहाँ पे वो, ठीक है। तो वो सिर्फ क्या है यूनिडायरेक्शनल आपके हैं, वो सिर्फ एक डायरेक्शन में वो
आपको प्रोसीड करते हैं ऐसे प्रोसेस, वो रिवर्स में क्या आपको है पॉसिबल नहीं है। आपको बोल रहे हैं तो मुंह से आवाज निकल गई तो क्या फिर वो आवाज फिर से मुंह पे चले जाएंगे वापस? नहीं जाएंगे। ये क्या है, सारे यूनिडायरेक्शनल प्रोसेसेस आपको यहाँ पे हैं, जिनको हम सभी को एक्सप्लेन कर पाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्या यहाँ पे एंट्रोपी हम एक्सप्लेन कर पाते हैं। ठीक है, तो देखो, तो ये मैंने आपको बताया कि कहाँ पे फेलियर हुई और इसकी क्या जरूरत महसूस हुई कि हम लोगों ने क्या किया, एक सेकेंड लॉ लेकर के आया। ठीक है, अब देखो एंट्रोपी को एक्सप्लेन करने का दो मेरे पास तरीका है। एक तो आपका हो गया डिसऑर्डरनेस, डिसऑर्डरनेस यानी रैंडमनेस, इसको बोलेंगे हम लोग रैंडमनेस, हम इससे एक्सप्लेन करते हैं। और दूसरा तरीका आपका होता है अनअवेबिलिटी ऑफ एनर्जी। हमारी दुनिया में जो वर्क परफॉर्म करने लायक जो एनर्जी है थर्मल एनर्जी, वो क्या आपको धीरे धीरे एग्जॉस्ट हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। ठीक है, और हम लोग बोलते हैं कि एक समय ऐसा आएगा कि हमारे पास वर्क परफॉर्म करने के लिए कोई भी एनर्जी नहीं बची रहेगी और उस स्टेज को नाम दिया गया थर्मल डेथ। आप पढ़ना, ठीक है, थर्मल डेथ, कि एक समय ऐसा हो सकता है कि आ जाए कि हमारे पास कोई ऐसा ना बचे जिससे हम क्या कर पाए, वर्क परफॉर्म कर पाए, अपना जो काम हम वो कर पाए, उसको बोलते हैं थर्मल डेथ। ठीक है, तो ये दो तरीके से हम लोग समझेंगे कि आपका जो है ये एंट्रोपी क्या है हम समझेंगे। उसके बाद हम लोग मैथमेटिकल फॉर्मूले पे जाएंगे, छोटा सा फॉर्मूला है और सीधे हम लोग प्रॉब्लम्स पे आएंगे हम लोग फिर सीधे सीधे। ठीक है, देखो आपका यहाँ पे समझते हैं हम लोग यहाँ पे रैंडमनेस क्या आपका है। हम लोग ये बोलते हैं कि जिस सिस्टम का रैंडमनेस ज्यादा है उसकी एंट्रोपी क्या आपको होती है, ज्यादा होती है। जिस सिस्टम का रैंडमनेस ज्यादा है उसकी एंट्रोपी क्या आपको होती है, मैक्सिमम होती है, ज्यादा होती है आपके यहाँ पे। ठीक है, मतलब अगर किसी सिस्टम में हीट सप्लाई कर रहे हो तो उसका एंट्रोपी क्या आपका होता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, और इसी इंक्रीज चाहे डिक्रीज होने से आपका क्या है, इसका सेकंड लॉ रिलेटेड आपका आगे हम लोग इसमें लिखेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो हीट सप्लाई कर रहे हो, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो उसकी एंट्रोपी क्या आपको होती है, इंक्रीज होती है। और इसका अगर रिवर्स बोलेंगे तो अगर आप उससे हीट एक्सट्रैक्ट कर रहे हो उसके टेम्परेचर क्या आपको होंगे, डिक्रीज होंगे, तो उसकी एंट्रोपी क्या आपको हो रही है, डिक्रीज हो रही है। रैंडमनेस डिक्रीज हो रहा है, एंट्रोपी क्या आपको है, डिक्रीज हो रही है आपको यहाँ पे। ठीक है, अब ये जो रैंडमनेस आपके यहाँ पे है इसमें एक और भी खास बात आपके यहाँ पे है कि जो नेचर है हमारा, जो यूनिवर्स है, नेचर की बात करें बेसिकली, यूनिवर्स ने बोला कि नेचर बोले तो आवर नेचर प्रिफर्स रैंडमनेस। ठीक है, हमारा जो नेचर है वो रैंडमनेस को ज्यादा प्रिफर करता है, मीन्स रैंडम प्रोसेस को होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो ज्यादा होती है। ठीक है, ऑर्डर ऑर्डर वर्क जो आपका होता है, ऑर्डर सिस्टमेटिक वर्क जो होता है उसके होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, लेकिन असिस्टमेटिक या फिर रैंडम वर्क होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। ये हमारा नेचर का रूल है हमारा। ठीक है, आपको मैं एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे। देखो जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि नेचर जो आपका है प्रीफर्स, नेचर प्रीफर्स रैंडमनेस, नेचर प्रीफर्स रैंडमनेस मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग रैंडम प्रोसेसेस इज वेरी हाई। ओके, देखो जैसे मान लो एग्जांपल लेता हूँ मैं यहाँ पे कि सपोज मेरे पास 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे मेरे पास 5 डिजिट्स है मेरे पास। ठीक है, 5 डिजिट्स हैं और इनको लेकर के मुझे एक वर्ड एक नंबर बनाना है। मुझे मान लो यहाँ पे क्या बनाना है, मुझे यहाँ पे 2, 3, 4, 1, 5 ऐसा मुझे एक नंबर बनाना है। 2, 3, 4, 5 मैंने कोई भी एक 5 डिजिट का नंबर लिख दिया, इसको मुझे बनाना है, फॉर्म करना है बाय यूजिंग दिस 5। ठीक है, तो अगर मान लो कि रिपीटेशन अलाउड है आप यहाँ पे कि अगर ये 5 डिजिट्स जो है अगर इसको आप रिपीट कर सकते हो हर एक प्लेसेस पे, ऐसे आप कैसे करते हो, देखो ये आपका होता है ना, आपने बनाया होगा परमिशन कमर्शन में बनाया होगा 1, 2, 3, 4, 5। हाँ, इफ रिपीटेशन इज अलाउड तो इस प्लेस को भी आप 5 वैसे फिल कर सकते हो, इस प्लेस को भी आप 5 वैसे फिल कर सकते हो, इसको भी और इस प्लेस को भी आप 5 वैसे फिल कर सकते हो। तो टोटल नंबर जो आप फॉर्म कर पाओगे, टोटल नंबर जो आप फॉर्म कर पाओगे कितना हो गया, 5 × 5 × 5 तो कितना हो गया 5 to the power 5। इतने तरीके से आप इतना नंबर आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो बाय यूजिंग दिस 5 डिजिट नंबर इफ रिपीटेशन इज अलाउड। ठीक है, मुझे ये बताना है कि इसको बनाने की कितनी प्रोबेबिलिटी है ये। ठीक है, तो इसमें से क्या आपका होगा, कोई एक आपका आपका आएगा चांस जिसमें कि यहाँ पे हम लोग 2 पुट कर दें इस प्लेस पे, यहाँ हम 3 पुट कर दें, यहाँ हम 4 पुट कर दें, यहाँ पे हम 1 पुट कर दें, यहाँ पे हम लोग 5 पुट कर देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, नंबर बन जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी जो आपके हो गए, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ये जो आपका हो गया ये 2, 3
2, 3, 4, 1, 5, इसको फाइंड करने प्रॉपर्टी कितनी आपकी हो जाएगी, देखो तो 1 बाय कितना हो गया 5 टू द पावर 5 हो गया आपका यहाँ पे, 1 और डिवाइड इतना टोटल नंबर आपका हो गया, ठीक है। इसको इसको हम बोल रहे हैं क्या, ऑर्डर्ड स्टेट बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, ऑर्डर्ड स्टेट, जो हमें चाहिए था, हमें एग्जैक्टली यही चाहिए था हमें, इसको होने की प्रॉबर्टी कितनी आपकी इतनी है। और बाकी जब कहोगे प्रॉबर्टी ऑफ नॉट फाइंडिंग दिस नंबर 2, 3, 4, 1, 5, इसको नहीं बनने की प्रॉबर्टी जो हो गई कितनी आपकी हो जाएगी, तो आपका हो जाएगा कितना, कहाँ पे 1 माइनस क्या हो जाएगा 5 टू द पावर क्या हो गया 5 आपका हो गया, इतना आपका हो जाएगा, ठीक है। और इसको अगर आप मैथमेटिक्स से सॉल्व करोगे, देखो इसका वैल्यू जो आता है आपका आता है 3125 आता है आपका ये, ठीक है। 5 जो आपका होता है वो 3125, तो 3125 कितना हो गया 3124 डिवाइड बाय 3125 और ये कितना हो गया तो 1/3125 आपका ऐसा हो गया आपका, ठीक है। तो इसको छोड़ के बाकी सारे नंबर्स को हमको लोग क्या बोल रहे हैं, रैंडम नंबर बोल रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं रैंडम नंबर, जो मुझे जरूरत नहीं है दैट इज अ रैंडमनेस, ठीक है। तो देखो तो ऑर्डर्ड स्टेट होने की जो प्रोबेबिलिटी है कितनी है, सिर्फ 1/3125 है, और डिसऑर्डर्ड स्टेट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी आपके 3124 बाय इतना आपका यहाँ पे है। तो देखो तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, कितनी ज्यादा है इन कंपैरिजन टू दिस प्रोबेबिलिटी, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, डिसऑर्डर्ड स्टेट आपका हो गया, यहाँ पर हो गया डिसऑर्डर्ड स्टेट आपका हो गया, ये क्लियर। तो वही मैं बता रहा हूं पे कि नेचर जो आपका है प्रीफर करता है रैंडमनेस को, मतलब वो प्रोसेस हमेशा अलाउ होता है, जल्दी होता है और होने की क्वालिटी ज्यादा होती है, जिसमें रैंडमनेस बढ़ने का चांस ज्यादा होता है या फिर जिसमें क्या होती है एंट्रोपी इंक्रीज करती है, ठीक है। तो जितने भी प्रोसेस हम बोल रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ से यहाँ गया तो एंट्रोपी इंक्रीज किया होगा, तो आपका क्या होगा, ये प्रोसेस पॉसिबल हो गया, इधर से इधर जो आपका हो रहा है इसमें एंट्रोपी इंक्रीज नहीं हो पा रहा, तो इसे पॉसिबल नहीं हो पा रहा यहाँ पे, ठीक है। ये आपका एक मैंने एग्जाम्पल दिया। उसी तरीके से देखो, मान लो एक और एग्जाम्पल मैं लेता हूँ यहाँ पे, ये मैथमेटिकल एग्जाम्पल्स हैं, उसके बाद मैं आपके रियल लाइफ से एग्जाम्पल लूंगा कि रैंडम प्रोसेस होने की प्रॉबर्टी कैसी होती है आपको, ठीक है। चलो तो देखो इसमें एक एग्जाम्पल यहाँ पे लो, मान लो कि 3 डाइस आपने थ्रो करा है, 3 डाइस आपने थ्रो किया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 उसमें नंबर्स होते हैं, 3 डाइस हो गया आपको ये, ठीक है। तो इसके जो सैंपल स्पेस हो गया कितना हो गया, देखो 6 × 6 × क्या हो गया 6, और आपका मुझे लगता है कितना आएगा, देखो ये आपका आएगा 216 आपका ये आएगा 216, ठीक है, ये आपका हो गया। हम लोग चाह रहे हैं क्या कि प्रोबेबिलिटी हम निकालना चाह रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 3 मीन्स तीनों डाइस पे जो नंबर्स अपीयर हो रहे हैं उनको ऐड करने पे क्या आपका सम आएगा, हम वो निकालने जा रहे हैं। क्या आपका आएगा, देखो तो फर्स्ट में भी 1, सेकंड में भी 1, थर्ड में भी 1, तो अगर तीनों डाइस पे 1-1 होंगे तो ये सम कितना आएगा, 3 आएगा, तो ये कितना होगा, कैसे प्रॉपर्टी आपका हो गया, देखो 1/216 आपका हो गया, 1/216, ठीक है। उसी तरीके से देखो नेक्स्ट आपका क्या आपका सम कितना आपका आ गया, मान लो आपका हो जाएगा 4, आपको सम 4 आना है, तो क्या क्या चांस आपको हो जाएंगे, 2-1-1 ऐसा हो गया, या फिर 1-1-2, या फिर हो गया 1-2-1 ऐसा आपका हो गया, 4 आने का चांस हो गया, कितना हो गया आपका 3/216, ठीक है, 3/216 ये आपको हो गए। तो इसी तरह से जो निकालोगे तो देखो 10 जो आपका आएगा, 10 आने की जो प्रॉबर्टी होगी, देखो और इसको मैं लिखता हूँ कहाँ पे, 10 जो आएगा आप कहाँ पे, इसका जो चांस आप आएगा 27 आप आएगा, मतलब इसे से 1, 2, 3, तो इसे से कितने पॉसिबिलिटी आप हो जाएंगे 27, और बैक कितना हो गया 216 आपका हो गया। और इसको जब ऐसे ग्राफ के थ्रू प्लॉट करोगे आप यहाँ पे तो कुछ आपको ऐसे दिखा देगा आपका ग्राफ आपका यहाँ पे, ये कितना हो गया 10 आपका हो गया यहाँ पे, और ये वैल्यू कितना हो गया 27/216 आपका हो गया, ठीक है, ये आपका ऐसा हो गया, क्लियर। एक मिनट, हाँ ठीक है, इस तरीके से कुछ आपको ग्राफ आपको आते हैं, ये आपको हो गया। तो देखो ये आपको क्या बतला रहा है, आगे हम जब पढ़ेंगे स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स पढ़ेंगे तो देखो ये जो 3, 4 यानी सम कितना चाहिए, 3 आना चाहिए, सम आपका 4 आना चाहिए, सम आपका 5 आना चाहिए, सम आपका 10 आना चाहिए,
जिनको हम बोलते हैं माक्रो स्टेट, माक्रो स्टेट, और दीज माक्रो स्टेट्स आर अचीव्ड इन दीज वेज, जिस तरीके से ये माक्रो स्टेट्स अचीव होते हैं उनको हम बोलते हैं माइक्रो स्टेट्स, उनको बोलते हैं माइक्रो स्टेट्स। तो जो माइक्रो स्टेट फोर है इसको हम तीन तरीके से क्या कर पा रहे हैं, अचीव कर पा रहे हैं, ठीक है। माइक्रो स्टेट कितना पॉइंट तीन है। तो उसी से देखो यहाँ पे टेन जो आपका है उसमें कितना है 27 आपका यहाँ पे है। तो इसके जो नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स है कितना है 27 क्या है नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स है। और जब नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट 27 है तो रैंडमनेस क्या है, बहुत ज्यादा आपका यहाँ पे है 27, उसके पॉसिबिलिटीज आपके पास है, रैंडमनेस क्या होगा उसको ज्यादा हो गया, और उसकी प्रॉबलिटी क्या आपका देखो हाई दिखाई देता है यहाँ पे, सबसे हाई क्या है उसी की प्रॉबलिटी आपका है जिसमें माइक्रो स्टेट्स क्या आपका है सबसे ज्यादा थे, ठीक है। तो ये मैथमेटिकल तरीके से आपको समझाया कि जो नेचर है वो क्या करता है कहाँ पे रैंडमनेस को प्रीफर करता है, ठीक है। हमने ये मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू अपना रखा, आपको अब बताता हूँ आप कहाँ पे आपके रियल लाइफ से बताता हूँ कि रैंडमनेस जो है आपका कैसे प्रीफर होता है आपका, ठीक है। फ्रॉम रियल लाइफ एग्जाम्पल ऐसे देखो, रियल लाइफ एग्जाम्पल हम लेते हैं रैंडमनेस के बारे में, ठीक है। इसके बारे में देखो, मान लो कि आपको कुछ भी नहीं पता कि कल का जो टाइम है, कल का जो डेट है, जैसे आज मंडे हो गया, कल आपका ट्यूसडे हो गया, तो कल आपको क्या करना नहीं पता, ठीक है। बस यूं ही आप मस्त मौला रहते हो, आराम से रहते हो, ठीक है। तो आराम से क्या करोगे, अभी उठोगे, मन किया तो 6 बजे उठोगे, नहीं मन किया तो फिर से सो जाओगे उठ करके, फिर 8 बजे 9 बजे जब मन किया तब उठोगे आराम से, ठीक है। फिर उठे, फिर मन किया तो फिर ब्रश व्रश किए, ठीक है, फिर ब्रेकफास्ट लिए, डिनर के, फिर सो गए, ऐसे ही कुछ नहीं पता, नहीं क्या करना नहीं पता, ठीक है। तो इस तरीके से फिर सो गए, फिर कुछ किया तो फिर मार्केट चले गए, कुछ भी नहीं लगा, इस तरीके से रैंडमली आप कुछ कर रहे हो, आपको नहीं पता कि क्या करना, आप वहाँ पे बस आप रैंडमली काम कर रहे हो। तो इस तरीके से रैंडम जब आप काम करते हो, आपको नहीं पता होता है, आप अपने जो है कुछ फिक्स नहीं किए हो कि क्या करना है, तो उस केस में क्या होता है, आपको कोई स्ट्रेस नहीं होता, कोई चिंता नहीं आपको है, आराम से मन के सो गए, फिर बन के तो उठ गए, फिर नहाए, नहीं कर मन नहीं, नहीं मन नहीं किया तो नहीं नहाए फिर, ठीक है, ऐसा हो गया। तो आपने जब इस तरीके से वर्क करा तो आपको कोई भी स्ट्रेस नहीं हुआ आपका, आपको कोई भी स्ट्रेस नहीं हुआ। लेकिन देखो, अगर आपका मतलब एग्जाम है, या फिर आप आईआईटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपका एग्जाम है, 2 महीने बाद एग्जाम आपका यहाँ पे है, तो क्या आपके पास एक सिस्टमेटिक तरीका, आपके पास एक सिस्टमेटिक, आपके पास एक गोल है, आपका क्या है टारगेट है आपका यहाँ पे, आपने फिक्स कर रखा कि हाँ मुझे ये निकालना है। अब क्या है उसके लिए, आपको एकदम 6 बजे उठना ही उठना है, फिर मान लो पढ़ना है तो आपको मन नहीं भी कर रहा तभी क्या है एकदम उठना पड़ेगा, तो मन मार के भी आप उठोगे, फिर ठंडा लग रहा है, सोने का मन कर रहा है, फिर से कंबल के अंदर घुसे हुए हैं, निकलने का मन नहीं कर रहा, फिर भी आपको उठना ही उठना है, क्यों, क्योंकि वो काम करना है, ठीक है। मतलब आपको 8 बजे 9 बजे कॉलेज जाना है, तब तुरंत से ब्रेकफास्ट व लंच वंच, ब्रेकफास्ट करोगे, वॉशरूम जाओगे, सब कुछ करोगे, नहाओगे धोगे, सब अपना टाइम से करोगे, फटाफट करोगे, अपना टाइम से 9 बजे स्कूल पहुंच जाओगे, कॉलेज पहुंच जाओगे, फिर आओगे, फिर ये रिविजन करोगे, फिर क्लास अटेंड करोगे, फिर ये करोगे, इसके नोट्स बनाओगे, ये करोगे। तो देखो, जब आप एक सिस्टमेटिक तरीके से काम कर रहे थे, आप एक टारगेटेड वे में काम कर रहे थे, तो क्या आपका होगा, कितना स्ट्रेस आपका यहाँ पे, सुबह उठना है, ये करना है, ये करना है, थोड़ा लेट हो गया तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कितना आपका स्ट्रेस आपका होता है ना, ठीक है। तो देखो, जब आप रैंडमली काम कर रहे थे तो कोई स्ट्रेस नहीं, कोई तनाव नहीं आपका यहाँ पे, लेकिन इसका मतलब क्या हो गया कि वो आपका आराम से हो भी रहा था आपका पे, तो नेचर चाहता कि पर रैंडम काम करते रहे आप, है ना, वो आपका आसानी से हो गया आपका। लेकिन जब सिस्टमेटिक काम करना शुरू किए, ऑर्डर स्टेट में काम करना शुरू कर दिए, तो देखिए आपको कितना स्ट्रेस हुआ आपका यहाँ पे, कितना आपको अंदर से अपने अंदर से बतानी पड़ेगी, नहीं मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है, तब जाकर आप वो कर पाए, है ना। अगर कोई आलसी हो गया तो फिर वो काम उसी का छूट जाएगा उसका वो, ठीक है। तो देखो, नेचर क्या करता है कहाँ पे, रैंडमनेस को प्रीफर करता है आपका, रैंडम प्रोसेस आसानी से हो जाते हैं, और जो ऑर्डर स्टेट आपको प्रोसेस होते हैं वो आसानी से नहीं होते हैं, उसके लिए आपको एफर्ट लगाना पड़ता है, अंदर से आपके मोटिवेशन आना चाहिए कि हमको काम करना है, ठीक है। उसी तरह से देखो, आप मान लो कि स्कूल कॉलेज जाते हो, आपका मान लो ऑफिस है, अपना रूम समझ लो, आपका रूम है आपका यहाँ पे, ठीक है। कॉलेज से आए, ऐसे बैग कहीं फेंक दिए, कपड़ा कहीं फेंक दिए, अपना किताब कॉपी कहीं फेंक दिए, आपका बेड कहीं पे है, इसी के साथ का है, आप देखो ऐसा कोई दिक्कत नहीं, आप फेंक दिए, आके सो गए, पढ़ लिए, जो भी कर दिया ऐसा हो गया आपका यहाँ पे, ठीक है। फिर अगले दिन फिर आपने वही काम कर लिया यहाँ पे, है ना। तो देखो, एक सप्ताह होता था, क्या आपका हो जाएगा, पूरा आपका कमरा क्या हो जाएगा, तीतर बितर आपका हो जाएगा, पूरी तरीके से तीतर बितर एकदम, अफरा तफरी मत रखें, कोई कहीं कुछ भी कहीं भी रखा हुआ कहाँ पे, है ना। तो देखो, उस कमरे को तीतर बितर करने में क्या आपको कोई अलग से एफर्ट करना पड़ा, क्या कोई अलग से एफर्ट करना पड़ा, नहीं पड़ा आपका, यहाँ पे यूं ही आपका हो गया आपका वो, ठीक है। क्यों हो गया,
क्योंकि उसके होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, सबसे ज्यादा है उसकी प्रोबेबिलिटी आपके यहाँ पे, है ना। तो हो गया, आपको अलग से कोई एफर्ट नहीं करना पड़ा, आपको अलग से कोई मोटिवेशन नहीं लाना पड़ा कि हाँ मुझे ये करना है ना। लेकिन आप एक सप्ताह बाद देखते हो कि पूरा कमरा जो है ना तितर बितर हो गया है, धूल गर्दे जम गए हैं आपके यहाँ पे। तो अब क्या करते हो, आप उसको अरेंज करना शुरू करते हो, उसको एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में लाना चाहते हो। तो देखो आपको पूरा का पूरा दिन लग जाएगा उसको पूरा अरेंज करने में, क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा दिन लग जाएगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, प्लस आपको करने का मन है, आपको अंदर से करना कि हाँ मुझे साफ करना है, आज आप ठान लिया आपने कि मुझे साफ कर ही लेना है, तो आप उसको दिन भर में कंप्लीट कर पाओगे, ठीक है। तो रैंडम स्टेट से जब इसको सिस्टमेटिक स्टेट में लाना शुरू कर दिए, तो आपको कितना मेहनत करना पड़ा, आपको कितना एफर्ट लगाना पड़ा आपको यहाँ पे, ठीक है। लेकिन रैंडम करने के लिए, तीतर करने के लिए कोई काम, कोई एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी। नेचर जो आपका है वो क्या कहता है, रैंडमनेस को प्रीफर करता है, कि आपका जो रैंडम प्रोसेस आपका आसानी से हो जाएगा। लेकिन अगर कुछ आप अचीव करना चाहते हो लाइफ में, उसको आप ऐसे समझो कि आप कुछ अचीव नहीं करना चाहते हो, कोई टारगेट नहीं है, कोई गोल नहीं है आपका लाइफ में, मस्त रहिए, कोई टेंशन नहीं है, कोई आपको स्ट्रेस नहीं पाएगा यहाँ पे। लेकिन अगर आप स्ट्रेस लेकिन अगर आप लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं, आपका कोई टारगेट, आपका कोई गोल है, तो आपको बहुत बहुत क्या करना पड़ेगा, एफर्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि नेचर नहीं चाहता है कि आप अपना अपना जो है एक सिस्टम के तहत आप आगे बढ़े, अपना एक लाइफ, अपना एक टारगेट अचीव कर ले, ऐसा नेचर नहीं चाहता है। तो नेचर का जो रूल है उसके अगेंस्ट आपको उठना पड़ेगा, 6 बजे उठना पड़ेगा, उसका जो है काम करना पड़ेगा, आपको तैयारी करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़नी पड़ेगी, डेली एफर्ट करना पड़ेगा, तब जाके आप वो टारगेट क्या कराएंगे, अचीव कर पाएंगे, मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो ये सब कुछ क्या आपका है, एंट्रोपी आपका है। ये सब कुछ कहां से हम एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, एंट्रोपी से एक्सप्लेन कर पा रहे हैं यहाँ पे हम लोग। बात क्लियर हो गई? तो आई होप कि आपको जो है ये एंट्रोपी के बारे में जो मैंने बताया आपको यहाँ पे, रैंडमनेस के बारे में जो बताया आपको यहाँ पे, मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आ गई कि एंट्रोपी है क्या आपको यहाँ पे। अब एक शब्द हम बोले तो नेचर उसी प्रोसेस को प्रेफर करता है जिस प्रोसेस में क्या आपका है, एंट्रोपी यानी रैंडमनेस क्या आपका है, इंक्रीज कर रहा है आपका यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ये जो मेरा ग्राफ है आपका यहाँ पे, इधर मेरे पास क्या है, सम है आपका यहाँ पे, जब इधर सम अचीव कर रहा है आपका यहाँ पे, 3, 4, 5, 6 आपका हो गया, आपका सम ऑफ द नंबर्स अपियरिंग ऑन दिस 3 डाइस आपका सम हो गया। और इधर मेरा क्या है, प्रोबेबिलिटी आपका है, इधर क्या है आपका, प्रोबेबिलिटी आपका है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी मतलब 10 होने की प्रॉबिलिटी क्या है, सबसे ज्यादा है, फिर अगर 11, 12 करते जाएगा तो फिर आपका ये कम होता जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलो तो एक बार मैसेज करके बताओ कि आपको ये एंट्रोपी जो है, जो मैंने बताने की कोशिश की, आपको वो बात समझ में आई या नहीं आई। तो ये मैंने डिसऑर्डरनेस तरीके से आपको बताया कि कैसे आपका जो है नेचर आपको बर्बाद होता हुआ देखता है तो बहुत खुश होता है, ठीक है, एक तरह से समझो। इसलिए अब बर्बाद होने में कोई काम नहीं करना पड़ता आपको, मतलब जो आप देखते हो गलत आदतें जो होती हैं बहुत जल्दी मतलब अपने अंदर आ जाती हैं, है ना। लेकिन जो सही आदतें हैं उसको लाने में बहुत समय लगता है, हमको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर मेरे पास सही आदतें आती हैं। तो सब यही बात आप एंट्रोपी सारा कुछ आप यहाँ पे, ठीक है। चलो ठीक है, है ना। तो अब देखो, अब एक चीज और मैं आपको बताता हूं वहां पे। ये तो मैंने आपको समझाने की कोशिश की एंट्रोपी इन टर्म्स ऑफ क्या आपका, डिसऑर्डरनेस या फिर रैंडमनेस, ठीक है, सही बात है, चलो सही, सभी लोगों को समझ में आ गया, ओके। हम लोग एक चीज देखते हैं, अनअवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी। एनर्जी मतलब क्या, कि यूजफुल एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, यूजफुल एनर्जी मतलब जिससे हम अपना वर्क परफॉर्म कर पाए, ठीक है। तो इसमें थोड़ी सी बात है, छोटी सी बात है, ये तो अपने आप में बड़ा मुद्दा आपका यहाँ पे है, अलग से आप कभी होगा तो डिस्कस करेंगे यहाँ पे हम लोग। क्या आपका है कि जो प्रोसेस इरिवर्सिबल है, आपको इरिवर्सिबल, जैसे हम लोग ये बोल रहे थे कि आपका ये टेंजल एनर्जी था, ये आपका क्या हो गया, स्टॉप हो गया, वो कहाँ चला गया आपका, हीट में कन्वर्ट हो गया। तो क्या इसका रिवर्स पॉसिबल है? रिवर्स मतलब क्या, कि इस सरफेस पे मैं क्या कर दूं, इस ब्लॉक को रख दूं और इस सरफेस में क्या कर दूं, थोड़ा सा हीट कर दूं, तो क्या अब ये ब्लॉक में वो उतनी मोशन आ जाएंगे, उतनी वेलोसिटी आ जाएगी? तो नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी आप कहाँ पे, ठीक है। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस आप कहाँ पे, तो इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या आपका है कि वर्क जो आपका है वो कंप्लीटली क्या आपका है, हीट में कन्वर्ट हो रहा है कहाँ पे, या आप ये बोल रहे हम यहाँ पे वर्क मतलब कौन सा, मैकेनिकल वर्क। लेकिन बट आपका जो है हीट जो आपका है, हीट 100% कन्वर्ट नहीं हो रहा है मैकेनिकल वर्क में, कुछ पार्ट कन्वर्ट होता है
100% कन्वर्ट नहीं होता आप कहां पे, ठीक है। और जितना पार्ट कन्वर्ट हो पा रहा है उसको बोलते हैं एफिशिएंसी, तो आगे पढ़ने वाले हैं, है ना। तो सपोज क्या कि ये आपका ये मान लो कि बहुत अच्छा आपका ये डिवाइस है, मान लो कि 20% या फिर 20% क्या कहोगे ये वर्क में कन्वर्ट हो पा रहा है, इस हीट से हम लोग क्या कर रहे हैं 20% वर्क ले पा रहे हैं, तो इस हीट का जो 80% एनर्जी है वो क्या आपका हो गया वेस्ट हो गया कहाँ पे, वेस्ट मतलब क्या नॉट अवेलेबल फॉर वर्क, इसको बोलेंगे नॉट अवेलेबल फॉर वर्क, नॉट अवेलेबल फॉर वर्क, अनअवेबिलिटी इसको बोल रहे हैं मतलब अनअवेबिलिटी ऑफ यूजफुल वर्क, ठीक है। तो इस सिस्टम में जो 80% एनर्जी था वो मेरा अवेलेबल नहीं था वर्क परफॉर्म करने के लिए, मतलब क्या आपका हो गया मेरे हिसाब से क्या आपका हो गया वो वेस्ट हो गया वो, ठीक है। तो इस तरीके से समझो कि अगर हर सिस्टम का 80% अगर इस तरीके से वेस्ट होता जाए तो कभी ऐसा हो सकता है कि जो अनअवेबिलिटी जो है जो आपका एनर्जी जो है अनअवेबल एनर्जी जो आपका है उसका क्या हो जाए पहाड़ बन जाए, क्या हो जाए पाइल अप हो जाए आपका यहाँ पे पहाड़, जैसे होता है ना कि आप अपना घर का कचरा उठा के यहाँ अपना जो घर का या शहर का जो कचरा है उसको उठा के यहाँ पे जमा कर रहे हो डंप करते हो, है ना। तो आप न्यूज में पढ़ते भी रहते हो कि हाँ अब इतना सा वहां पर कचरा जमा हो गया तो क्या हो गया कचरा का एक पहाड़ बन गया आपका यहाँ पे, है ना, कचरे का पहाड़ बन गया। वही बात यहाँ भी हो गई कि 80% अगर हर बार इससे हमारा जो एनर्जी है अनअवेलेबल होता जाए तो अनअवेलेबल एनर्जी का जो क्या हो जाएगा पहाड़ बन जाएगा कहाँ पे पाइल अप हो जाएगा कहाँ पे, ठीक है। तो एक समय ऐसा अभी हो सकता है आप कहाँ पे कि हमारे पास जो है यूजफुल वर्क वाली जो है कोई भी एनर्जी बचे ही ना, वो सारा का सारा क्या हो जाए अनयूजफुल वर्क यानी अनअवेलेबल वर्क में क्या है अनअवेलेबल एनर्जी में क्या हो जाए कन्वर्ट हो जाए, ऐसा भी हो सकता है आप कहाँ, ठीक है। तो ये जो आपका सिचुएशन आप कहाँ पे है कि जहाँ पे कि हमारे पास यूजफुल वर्क करने के लिए कोई भी एनर्जी अवेलेबल नहीं होती है उसको हम लोग बोलते हैं थर्मल डेथ, थर्मल डेथ, ठीक है। तो जो अनअवेलेबिलिटी आप कहाँ पे है वो क्या आपका है एंट्रोपी इंक्रीज कर रहा है आप कहाँ पे, मतलब ये आपका अनअवेलेबिलिटी जो आपका है वो सीधे सीधे किससे आपका जुड़ा हुआ है एंट्रोपी से आपका है, जितनी अनअवेलेबल एनर्जी उतनी एंट्रोपी, है ना, मतलब हमारा जो यूनिवर्स है उसकी एंट्रोपी इंक्रीज करती जा रही है डे बाय डे इंक्रीज करती जा रही है, मतलब ये सेकंड लॉ देखेंगे हम उसमें देखेंगे कि वही प्रोसेस पॉसिबल है जिस प्रोसेस में या तो एंट्रोपी चेंज जीरो होता है या तो एंट्रोपी इंक्रीज करता है, यूनिवर्स में ऐसा कोई प्रोसेस पॉसिबल नहीं है जिसमें एंट्रोपी क्या आपका है डिक्रीज करता होगा आप कहाँ पे, इसमें एंट्रोपी डिक्रीज करता होगा आप कहाँ पे, ठीक है। अगर वो रिवर्सिबल प्रोसेस है तो उसकी एंट्रोपी जीरो रहेगी चेंज नहीं करेगी, लेकिन अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो उसकी एंट्रोपी उस सिस्टम की एनर्जी उस सिस्टम की जो एंट्रोपी होगी हमेशा इंक्रीज ही करेगी, जीरो या फिर लेस देन नेगेटिव नहीं होगा आप कहाँ पे, ठीक है। तो सेकेंड लॉ क्या बोलता है आपका कि ओनली दोज प्रोसेस आर पॉसिबल इन विच द नेट एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम इधर इंक्रीजेस और रिमेन्स सेम, सिर्फ यूनिवर्स में वही प्रोसेस आपका पॉसिबल है और जो अनअवेलेबल एनर्जी आप कहाँ पे हो क्या आपका है एंट्रोपी का ही फॉर्म आप कहाँ पे है, और ये जब बढ़ता जा रहा है बोल रहे हैं कि यूनिवर्स का जो एंट्रोपी है क्या आपका होता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, एक समय ऐसा आपका आएगा कि सारा का सारा क्या हो जाएगा ये खत्म हो जाएगा, हमारे पास कुछ भी काम करने लायक चीजें नहीं बचेंगी, जैसे बोलते हैं ना पानी हम इतना यूज कर रहे हैं एक समय ऐसा आएगा कि पानी हमारे पास खत्म हो जाएगा, जो आपका यह है वाटर खत्म हो जाएंगे, हम पानी पीने लायक भी नहीं बचेंगे यहाँ पे, उसमें हमारे लिए पानी पीने लायक चीजें नहीं बचेंगी, हाँ किसी और तरीके से हम उसको जनरेट करेंगे अलग बात है, लेकिन जो नेचुरल तरीके से जो पानी मिल रहा है हमारे पास वो नहीं बचेगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया, तो सब कहाँ सबका है एंट्रोपी सबका है, तो एंट्रोपी अपने आप में एक जबरदस्त जो है आपका एक कॉन्सेप्ट है आपका एक ये टॉपिक है आपका, ठीक है, जिसको मैंने अपने शब्दों में थोड़ा सा आपको समझा दिया कि हाँ ये क्या है, बाकी आप अच्छे से पढ़ेंगे इसको कि और क्या चीज आपका इसके बारे में बोला जा सकता है, ठीक है। चलो तो अब यहाँ के बाद हम लोगों ने समझा कि एंट्रोपी क्या है कैसे है, और इसके बाद हम आते हैं मैथमेटिकल फॉर्मेट पे आते हैं और फिर हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे इसमें। तो देखो नेचर भी चाहता है कि आप कुछ भी अचीव ना करो, है ना, आप एकदम ऐसे निठल्ले ढल्ले पड़े रहो तो मजा आ जाएगा नेचर को, तो लेकिन नेचर को मजा नहीं कराना है तो आप उसको आपको कुछ ना कुछ अचीव करना पड़ेगा और अचीव करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी,
ठीक है। चलो हम लोग बात करते हैं चेंज इन एंट्रोपी। हम लोग जो है एब्सोल्यूट एंट्रोपी जो है किसी सिस्टम का हम लोग नहीं निकाल पाते हैं हमेशा। हम जब भी निकालते हैं क्या निकालते हैं, चेंज निकालते हैं हमेशा। हम क्या निकालते हैं, चेंज। एब्सोल्यूट एनर्जी मतलब आपने एक ग्लास वाटर लिया, आप बोलो कि उसका एंट्रोपी कितना है, वो निकालना है तो नहीं, एक तुरंत डायरेक्ट तरीका नहीं है आप पे। हाँ, किसी रिवर्स तरीके से हम निकाल सकते हैं, बट कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है जिसमें कि आप क्या कर पाए उसकी एब्सोल्यूट एंट्रोपी निकाल पाए। अलग अलग तरीके हैं, ठीक है। चलो लिखो इसमें, लिखो इसमें, if an infinitesimal amount of heat, if an infinitesimal amount of heat dq is given to the system, if an infinitesimal amount of heat dq is given to the system at absolute temperature T, then change in entropy is given by ds is equal to क्या होता है dq by T, और dq is equal to क्या कहोगे TdS। इसको हम लोग यूज करेंगे आगे जब हम लोग पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल पढ़ेंगे तब, ठीक है। ये आपका इतना हो गया। सो देयरफॉर टोटल चेंज अगर हम बात करें यहाँ पे, टोटल चेंज फ्रॉम इनिशियल स्टेट I to final state F is, ये हो गया डेल्टा S, इसको लिख लो। ये कितना हो जाएगा, S final minus S initial, और इसको आप क्या करोगे dq by T, आपने इनिशियल स्टेट टू फाइनल आपने क्या कर दिया, इसको इंटीग्रेट कर दिया। ये आपको क्या देगा, टोटल चेंज इन एंट्रोपी देगा फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट। ठीक है, चलो तो बस यही आपका एक छोटा सा फॉर्मूला है। देखो आगे लिखो, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, हम लोग फर्स्ट लॉ लिखे थे, सेकेंड लॉ लिखो। इसमें दो तीन स्टेटमेंट्स हैं, हम लोग उसको लिखते हैं बारी बारी से। देखो द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, the second law of thermodynamics states that the total entropy of an isolated system मतलब जिसमें जिस सिस्टम का सराउंडिंग के साथ में ना तो हीट एक्सचेंज हो रहा है और ना ही आपका मैटर एक्सचेंज हो रहा है, उसको बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम या फिर उसको बोलते हैं क्लोज सिस्टम। द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स स्टेट्स दैट द टोटल एंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम कैन नेवर डिक्रीज ओवर टाइम ठीक है, कभी भी इसका डिक्रीज नहीं करेगा वहां पे। हाँ, इंक्रीज कर सकता है, कभी भी डिक्रीज नहीं करेगा वहां पे। और इसी का सेकेंड फॉर्म आप कहा है, थोड़ा सा और सिंपलीफाई तरीके से को बोलेंगे हम लोग,
लिखो क्या बोलता है और में, द टोटल एंट्रोपी ऑफ ए सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग्स, टोटल एंट्रोपी ऑफ ए सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग्स कैन रिमेन कॉन्स्टेंट इन आइडियल केसेस कोमा वेयर द सिस्टम इज इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम or is undergoing reversible process, ठीक है, or is undergoing reversible process, ठीक है। इसमें मतलब क्या हो गया कि that is delta s in case of reversible process ये कितना आपका होता है, आप कहाँ पे जीरो होता है, चेंज नहीं होता, आप कहाँ पे वो सेम रहता है, रिमेन सेम। या इसी का एक थर्ड स्टेटमेंट लिखो, सारे आपके सेकंड लॉ हैं, सभी से कुछ ना कुछ एक एक बात आपको निकल कर आ रही है सामने। नेक्स्ट लिखो, इन ऑल प्रोसेसेस दैट अकर कोमा including spontaneous process, comma, the total entropy of the system and its surroundings increases and the process is irreversible in the thermodynamic and the process is irreversible in the thermodynamics, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया हम लोगों का कि दैट इज इन ऑल प्रोसेसेस, किसी भी तरह का आपका प्रोसेस हो, आप कहां पे आपका जो डेल्टा एस है इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब इस डेल्टा एस में क्या आपका आएगा, तो डेल्टा एस आपका क्या आएगा, सिस्टम और प्लस डेल्टा एस क्या आपका हो गया, सराउंडिंग, दोनों आपका मिलेगा कहां पे। इसका मतलब क्या आपका हो गया कि कहीं पे अगर ये आइडियल सिस्टम है या फिर रिवर्सिबल प्रोसेस है, उसके हमने क्या देखा कि डेल्टा एस कितना होगा, आपका जीरो होगा। इसका मतलब क्या कि अगर सिस्टम की एंट्रोपी डिक्रीज करती होगी तो उतना ही एंट्रोपी क्या होगा, सराउंडिंग का इंक्रीज करेगा, सो दैट कि दोनों क्या आपको मिलकर के जीरो आपको हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। डेल्टा एस इक्वल टू जीरो फॉर ओनली, ये किसके लिए आपका है, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए आपका है, रिवर्सिबल प्रोसेस, ये आपका पूरा का पूरा सेकेंड लॉ है। और इसका मतलब क्या होगा कि ओनली दोज प्रोसेसेस इन यूनिवर्स आर पॉसिबल, सिर्फ वही पॉसिबल आपको है जिनमें आपका जो है एंट्रोपी या तो इंक्रीज कर रहा होगा या तो आपको क्या होंगे, जीरो होंगे आपको, सिर्फ यही। ऐसा कोई प्रोसेस यूनिवर्स में नहीं होता है जिसकी एंट्रोपी क्या आपको होती है, डिक्रीज करती है, मतलब पूरे सिस्टम की एंट्रोपी, ठीक है, सिस्टम प्लस सराउंडिंग मिला करके आपकी बात हो रही है यहाँ पे। सिर्फ एक सिस्टम की या फिर सिस्टम सराउंडिंग की इंक्रीज डिक्रीज हो सकते हैं, बट एज ए ओवरऑल जो आपका है वो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा आपका, याद रखना, या इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है, तो यहां से आप एक चीज और भी ले सकते हैं, यहां पे जैसे डेल्टा एस क्या हो गया, डेल्टा एस का कितना था कहां पे, डेल्टा एस का हो गया टीडीएस, तो टीडीएस भी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आपका हो गया, ऐसा बोल सकते हो आप। सॉरी एक मिनट, टीडीएस नहीं, आपका डेल्टा एस आपका था डी क्यू बाय डी टी, तो टीडीएस
माइनस डी क्यू, हम इसको लिखे यहाँ पे हम लोग ऐसे लिखेंगे टी डी एस माइनस डी क्यू एंड दिस वन इज मैन ग्रेटर इक्वल टू जीरो, यहाँ से लिख सकते हैं कि टी डी एस जो आपका हो गया इट इज ग्रेटर इक्वल टू डी क्यू ऐसा हो गया। खैर उसका यूज हम लोग यूज करेंगे इसका हम लोग आगे हम जब पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक रिलेशंस पढ़ेंगे तब हम इसका यूज करेंगे ठीक है। चलो यहां तक कुछ पूछना था देख लो चलो कोई डाउट नहीं यहां तक है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हम लोग प्रॉब्लम्स में आते हैं सीधे सीधे। तो याद रखो अगर किसी सिस्टम से टेम्परेचर डिक्रीज हो रहे हैं या सिस्टम से हीट एक्सट्रैक्ट कर रहे हो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो उसका एंट्रोपी क्या होगा डिक्रीज होगा और किसी सिस्टम अगर हीट ऐड कर रहे हो तो उसकी एंट्रोपी इंक्रीज करेगी ठीक है। तो अकॉर्डिंगली आप माइनस प्लस लगा सकते हो। चलो एक क्वेश्चन लिखो कैलकुलेट द चेंज इन एंट्रोपी कैलकुलेट द चेंज इन एंट्रोपी व्हेन एन मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस एन मोल ऑफ एन आइडियल गैस at temperature T are expanded from volume VI to volume VF isothermally। बस छोटा सा क्वेश्चन आपका है कैलकुलेट द चेंज इन एंट्रोपी व्हेन एन मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस एट टेम्परेचर टी आर एक्सपैंडेड फ्रॉम वॉल्यूम वी आई टू वॉल्यूम वी एफ आइसोथर्मली ठीक है। कोई सिस्टम आपका एन मोल्स का सिस्टम कहाँ पे है गैस आपका आइडियल गैस है जिसको आप एक्सपैंड कर रहे हो वॉल्यूम वी आई टू वी एफ आइसोथर्मली ओके। तो क्या करोगे यहाँ पे सिंस एक्सपैंशन जो आपका है एक्सपैंशन इज आइसोथर्मल सिंस एक्सपैंशन इज आइसोथर्मल सो देयरफॉर चेंज इन टेम्परेचर कितना का हो गया डीटी हो गया जीरो ओके। सो हमें निकालना है क्या चेंज इन एंट्रोपी डेल्टा एस मुझे बतानी है क्या आपका हो जाएगा देखो ये क्या आपका होता है डी क्यू बाय टी फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट ठीक है। चलो तो देखो डी क्यू को आप क्या लिखोगे फ्रॉम फर्स्ट लो तो आपका हो जाएगा डी यू प्लस क्या आपका हो गया पी डी वी और डिवाइड क्या हो गया टी आपका हो गया फ्रॉम इनिशियल टू क्या हो गया फाइनल आपका हो गया ठीक है। और दूसरी बात कि सिंस जो आपका है गैस है वो क्या आपका है आइडियल है तो इस केस में मुझे पता है हम लोग आप समझ चुके हैं कि जो इसका इंटरनल एनर्जी होगा उस केस में क्या होगा सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन आपका हो जाएगा और उसमें डी यू जो होता है कितना आपका होता है एन सी वी और क्या होता है डी टी और सिंस डी टी आपका जीरो सो देयरफॉर डी यू क्या होता है जीरो इन केस ऑफ आइडियल गैस आइसोथर्मल प्रोसेस में डी यू होता है जीरो इन केस ऑफ आइडियल गैस तो डी यू कितना होगा जीरो सो देयरफॉर डेल्टा एस क्या आपका बच गया देखो तो पी डी वी बाय टी और आई टू एफ। अब हम लोग इतना इंटीग्रेट कर चुके हैं हमें पता चल चुका है कि अब इसको इंटीग्रेट करना मतलब क्या करना है मुझे इसको एक सिस्टम में या तो प्रेशर में या तो टेम्परेचर में या तो वॉल्यूम में आप इसको क्या कर दो कन्वर्ट कर दो आप इसको ठीक है आप इसको सॉल्व कर पाओगे। तो क्या करोगे बताओ
हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, हमारे पास पी भी इक्वल टू एन आर टी। तो इधर से आप पी इक्वल टू, आप यहाँ से पुट कर सकते हो, क्या पुट करोगे, एन आर टी बैक हो गया भी, तो आप इधर से पुट कर दो। सो एन आर टी बाय टी, और आपका बाय भी आपका यहाँ पे है एन आर टी बाय भी, और एक क्या हो गया डी भी बाय भी, सॉरी डी बाय टी है ना, हाँ टी आपका ये वाला टी हो गया। आंसर टू फाइनल, तो आपका देखो आ गया आंसर टी टी, देखो कैंसिल हो गया, तो बचा क्या आपके पास एन आर, और आपका हो जाएगा डी भी बाय भी फ्रॉम, अब देखो ये सिर्फ वॉल्यूम में बच गया आपका यहाँ पे, इतना आपका हो गया, तो डेल्टा एस जो आपका आ गया कितना आ गया एन आर और एल एन वी एफ बाय वी आई, ये आपका ऐसा हो गया। ठीक है, तो अभी जो एंट्रोपी है वो इंक्रीज किया कि डिक्रीज किया, तो देखो आपका जो ये वॉल्यूम है, इट इज रिटन हियर दैट वॉल्यूम इज एक्सपैंडेड, ठीक है वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, तो वी एफ इज लार्जर देन वी आई, इट मीन्स व्हाट, कि ये जो एल एन का टर्म है वो क्या होगा पॉजिटिव होगा, मीन्स एंट्रोपी क्या आपका हो गया है बढ़ गया आपका यहाँ पे इसका। ठीक है, क्या इसका एंट्रोपी नेगेटिव भी हो सकता था आप कहाँ पे, तो हो सकता था कहाँ पे, ठीक है, हम लोग जो बोल रहे हैं कि जो एंट्रोपी है वो कभी डिक्रीज नहीं करेगा, हम किसकी किसकी बात कर रहे हैं, तो उसमें सिस्टम प्लस सराउंडिंग हम दोनों मिला के बोल रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है, कि सिर्फ और सिर्फ सिस्टम की बात हो रही है, तो सिस्टम की एंट्रोपी इंडिविजुअली डिक्रीज भी हो सकती है, लेकिन उसके स्थान पर कहीं पर इनवर्स में क्या हो गया एंट्रोपी इंक्रीज कर गया होगा कहाँ पे, ठीक है, तो सिस्टम प्लस सराउंडिंग मिला के आपका क्या हो गया एंट्रोपी कभी डिक्रीज नहीं करेगा, याद रखना। चलो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन करते हैं, फटाफट लिखो, दो तीन क्वेश्चन और हैं, आईआईटी एग्जाम का मजेदार क्वेश्चन है, हम लोग सॉल्व करेंगे, लिखो कैलकुलेट कैलकुलेट द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम, कैलकुलेट द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम व्हेन एम मास ऑफ ए लिक्विड, व्हेन एम मास ऑफ ए लिक्विड having constant specific heat, m mass of a liquid having constant specific heat c is heated from T1 to T2, is heated from T1 to T2. चलो जल्दी से बताओ तो क्या आंसर होगा, मास है आपका लिक्विड का मास कितना आपका एम दे रखा है, आपका स्पेसिफिक हीट आपको दे रखा है सी, और इस सिस्टम को आपने हीट किया है, सो दैट इट्स टेम्परेचर नाउ इंक्रीजेस फ्रॉम T1 टू T2, सो चेंज इन एंट्रोपी मेरे पास क्या है, सिर्फ यही आपके पास फॉर्मूला है छोटा सा, dQ बाय dT और सॉरी dQ बाय T फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। अब जब हम यहाँ पे हीट सप्लाई की बात कर रहे हैं, सो dQ जो मेरा है, अगर कोई प्रोसेस की बात हो कि हाँ ऐसा कुछ हम लोग वॉल्यूम एक्सपैंड कर रहे हैं, टेंपरेचर एक्सपैंड कर रहे हैं, तो हम लोग dQ ऐसा लिखेंगे जिस तरीके से dU प्लस pdV, फिर अकॉर्डिंगली आइडियल है तो उसका हम कॉन्सेप्ट यूज कर लेंगे, अगर ये रियल गैस है तो उसका हम कॉन्सेप्ट यूज कर लेंगे। इधर आपके पास क्या है कि आपको सीधे आपको स्पेसिफिक हीट दे रखा है, आपने टेम्परेचर क्या किया है T1 से T2 आपको एक्सपैंड किया आपने, यहाँ पे टेम्परेचर सॉरी इंक्रीज किया आपने, तो dQ जो होता है स्पेसिफिक हीट के टर्म में आपके कितना लिखते हो mCdT, बस T1 टू T2, तो डेल्टा एस जो आपका हो गया ये कितना आपका हो गया एम सी, और डी टी बाई टी तक हो जाएगा एल एन
T2 by T1 हो गया आपका रिजल्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट मैं आपको क्वेश्चन भेजता हूँ, आपके ग्रुप में सेंड करता हूँ। अच्छा एक मिनट, चलो एक क्वेश्चन लिखो जल्दी से, क्वेश्चन लिखो। ए मास एम ऑफ ए लिक्विड विथ कॉन्स्टेंट स्पेसिफिक हीट सी With constant specific heat C at temperature T1, comma is in thermal contact with another sample of same liquid. Is in thermal contact with another sample of same liquid of same mass. Same liquid of same mass at lower temperature T2. In thermally insulated vessel. Calculate the change in entropy T2 in thermally insulated vessel. Calculate the change in entropy of the system and universe. Change in entropy of the system and universe. चलो सॉल्व करो। क्वेश्चन क्या आपका है कि आपका एक सिस्टम आप कहाँ पे है, मास एम टेम्परेचर T1 पे है, ये आपका थर्मली कॉन्टैक्ट में आपका है, दूसरे सिस्टम पे आपका इसका टेम्परेचर कितना आपका है T2, आप कहाँ पे है लोअर आपका है T2 इज लेस देन T1 के थर्मली कॉन्टैक्ट में आप कहाँ पे हैं, देन क्या बोलता है और दे आर केप्ट इन थर्मली इंसुलेटेड वेसल मीन्स अब ये जो वेसल में आपका रखा हुआ कहाँ पे ऐसे ये आपका हो गया इंसुलेटेड वेसल इसका मतलब क्या होगा कि देर इज नो हीट एक्सचेंज विद सिस्टम एंड सराउंडिंग, इन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में कोई आपका हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा कहाँ पे। तो आपको बताना है कि कैलकुलेट द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम एंड द यूनिवर्स। ठीक है, ये आपका हो गया लिक्विड आपका है, मास सेम है, स्पेसिफिक आपको दे रखा है सेम, सी आपको दे रखा है T1 पे है, इज इन थर्मल कॉन्टैक्ट। तो देखो जब ये थर्मल कॉन्टैक्ट में है तो क्या आपका होगा यहाँ पे, देखो फ्रॉम हायर टर्म्स ऑफ बॉडी से लोअर टर्म्स ऑफ बॉडी की तरफ आपको हीट एनर्जी फ्लो करेंगे, दिस फर्स्ट सिस्टम टेम्परेचर विल डिक्रीज और अकॉर्डिंगली जो सेकंड सिस्टम टेम्परेचर क्या होगा इंक्रीज करेगा, ए मोमेंट विल कम जब दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, ये क्या कहोगे फाइनल टेम्परेचर। तो ये जो हीट एक्सचेंज हो रहा है कब तक होता रहेगा, जब तक कि दोनों के बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस है होगा सेम ना हो जाए, टेम्परेचर डिफरेंस जीरो ना हो जाए, टेम्परेचर सेम ना हो जाए आपका। ठीक है, टी मान लो क्या हो गया फाइनल टेम्परेचर का हो गया। तो देखो अब इस सिस्टम में जो मेरे पास है डेल्टा एस ऑफ सिस्टम, तो इस सिस्टम में मेरे पास क्या है, दो सिस्टम मेरे पास है, एक हो गया डेल्टा एस ऑफ सिस्टम 1 और क्या कहो गया डेल्टा एस ऑफ सिस्टम 2, मतलब ये हो गया 1 नंबर, ये क्या हो गया 2 नंबर आपका हो गया। सो मान लो आपका ये 1 या हो गया 2 नंबर हो गया वहां पे। तो सिस्टम में पास दो बॉडी हैं, दोनों का सेम मास है, टेम्परेचर को अलग अलग थे, इनकी दोनों के सेम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपका पास है। ठीक है, ये आपका हो गया। तो देखो
इस पूरे सिस्टम में आपका जो है आप क्या लिखोगे, डेल्टा वन इसलिए लिखोगे तो डी क्यू बाय टी इनिशियल टू फाइनल, और इसके लिए भी क्या कहोगे डी क्यू बाय टी फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, ठीक है। अब चूंकि इसमें हीट एनर्जी एक्सचेंज आपको हो रहे हैं, स्पेसिफिक हीट आपको दे रखा है, तो क्या आप यूज करोगे एमसी डी टी बाय टी आपका हो गया, और प्लस ये भी क्या कहोगे एमसी डी टी बाय आपका ये टी हो गया आपका, ठीक है, ये आपका हो गया। अभी जो फर्स्ट सिस्टम था कहाँ पे, फर्स्ट आपका बॉडी था, इसका इनिशियल स्टेट क्या था कहाँ पे टी वन, और फाइनल कितना आपका है टी, इसका बताओ कितना आपका है टी टू इनिशियल आपका, और फाइनल कितना आपका है टी आपका है, ठीक है। तो इसमें देखो कि इस सिस्टम वन की जो एंट्रोपी है वो डिक्रीज कर रही होगी, क्यों, क्योंकि इसने क्या किया है हीट एनर्जी लॉस करा है, और जो सेकेंड सिस्टम है उसकी एंट्रोपी क्या करते होगी इंक्रीज करते होगी, क्योंकि इसने टेम्परेचर गेन करा है इसने, ठीक है, ये आपका हो गया। तो अब बोलोगे कि सर मैं यहाँ पे माइनस लगा दूं, मतलब ऐसा कंसर्न हो जाता है आपका यहाँ पे कि अगर इसकी एंट्रोपी डिक्रीज कर दी, मुझे पता चल गया कि इसकी एंट्रोपी डिक्रीज कर दी है, तो मैं यहाँ पे माइनस लगा दूं शुरू में ही, तो लगा भी सकते हैं, लेकिन अगर लगाओगे तो फिर अब ये चेंज करोगे आप यहाँ पे जो लिमिट्स है आप वो चेंज करोगे। अगर आपने आपको पता चल गया कि ये माइनस आपका है डिक्रीज कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ फाइनल से इनिशियल आप करेंगे, जो बड़ा होगा जो छोटा होगा आप वहां से यहां तक करेंगे, फाइनल माइनस फाइनल टू इनिशियल आपका ये होगा यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ माइनस नहीं लगाते हो तो जो एज इट इज इनिशियल से फाइनल जो आपका स्टेट है आप उसी को लिखोगे, ये ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा नेगेटिव में आपका आएगा, ऑटोमेटिक क्या आएगा ये नेगेटिव में आ जाएगा, तब ये समझ में आ जाएगा कि हाँ ये क्या आपका है डिक्रीज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसीलिए यहाँ माइनस भी लगा दोगे और यहाँ टी वन से टी भी लिख दोगे तो दोनों आपका क्या हो जाएगा गलत आपका हो जाएगा याद रखना। और आपको ऐसा ऑप्शन आइए आपका जो क्वेश्चन है किसी एग्जाम का क्वेश्चन आपका यहाँ पे, मैं भूल गया कौन सा एग्जाम का क्वेश्चन है, और उसमें ये ऑप्शन भी दिए रहते हैं जो कि ये माइनस लगा के जो बनाता है वो ऑप्शन भी आपको दिए हुए रहते हैं, ठीक है। तो ये गलती नहीं करनी है, अगर नेगेटिव पुट करते हो तो फिर लोअर से इनिशियल लोअर टू हायर, और नहीं तो जो चल रहा है एज इट इज चलने दो, आपका ऑटोमेटिक और साइन के साथ आपका आ जाएगा आंसर आपका आ जाएगा। देखो तब ये कितना आपका हो गया, देखो ये आपका हो गया एल एन, ये कितना आपका आ जाएगा टी बाय टी वन, देखो तो नेगेटिव आया आपका, ये आया ना नेगेटिव आपका ये, क्योंकि जब ये हीट लॉस कर रहा है तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा डाउन हो जाएगा, तो टी जो है वो ऑब्वियसली इससे कम होगा, तो टी बाय टी वन ये लेस देन वन, और एल एन का वैल्यू लेस देन वन के कितना होता है नेगेटिव होता है, ठीक है। प्लस ये आपका हो गया एम सी, और ये क्या हो गया एल एन, ये हो गया टी बाय टी टू आपका हो गया, सो देयरफॉर अगर दोनों का आप इसको मिलाओगे आप यहाँ पे तो डेल्टा एस जब का हो गया सिस्टम का जब का हो गया ये कितना आपका हो जाएगा एल एन प्लस आपका यहाँ पे है तो टी, ये दोनों आपका मल्टीप्लाई आप हो जाएंगे तो टी स्क्वायर बाय टी वन इंटू क्या हो गया टी टू हो गया आपका यहाँ पे टी स्क्वायर बाय टी वन टी टू, सही है। बट मुझे देखो ये टी नहीं पता मुझे, फाइनल टर्म मुझे नहीं पता है, तो हम लोगों ने लास्ट क्लास ही किया था ये काम कि जब आपका सी आपका सेम है दोनों के लिए, मास भी क्या आपका है सेम है आपका यहाँ पे, तो टी जो हो जाएगा वो बेसिकली इनका क्या हो जाएगा एवरेज आपका हो जाएगा टी इक्वल टू टी वन प्लस टी टू, सो देयरफॉर डेल्टा एस ऑफ सिस्टम जब का हो जाएगा ये कितना आपका हो गया, देखो इधर बस पुट कर दो आपका रिजल्ट आपका आ गया, सो एम सी और एल एन ये टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर मीन्स टी वन प्लस टी टू का होल स्क्वायर डिवाइड बाय फोर टी वन टी टू, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ठीक है, तो ये हमने निकाल लिया सिस्टम का चेंज इन एंट्रोपी हमने निकाल लिया, ना हमें क्या चाहिए यूनिवर्स का भी चाहिए मुझे, तो सिस्टम ये आपका हो गया और ये आपका क्या हो गया यूनिवर्स आपका हो गया, ये मेरा क्या हो गया सिस्टम आपका हो गया और ये मेरा क्या हो गया यूनिवर्स आपका हो गया, इसके बाहर जो भी आपका है दैट इज यूनिवर्स, ओके। बट यहाँ आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि दिस सिस्टम इज नाउ इंसुलेटेड फ्रॉम द यूनिवर्स, ठीक है, सिस्टम क्या आपका है इंसुलेटेड वेसल में आपका रखा हुआ आपका यहाँ पे, इट मीन्स
सिस्टम से सराउंडिंग में या फिर सराउंडिंग से सिस्टम में किसी भी तरह का हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा वहां पे, ये जो हीट एक्सचेंज हो रहा आपका सिर्फ इनके और इनके बीच आपका हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि यूनिवर्स जो है इस सिस्टम के चेंज से अफेक्टेड नहीं है आपका यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि सिंस सिस्टम इज केप्ट इन, क्या यहां रखे हमें, हमें इंसुलेटेड इंसुलेटेड वेसल, सो देयरफॉर देयर इज नो इंटरेक्शन, इंटरेक्शन मतलब हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, थर्मल इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं, हीट एक्सचेंज की बात कर रहे हैं। देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, और इसका मतलब क्या हो गया, सिस्टम एंड सराउंडिंग, सो देयरफॉर डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स जो आपका हो गया वो चेंज नहीं करेगा, तो चेंज कितना का हो गया यहाँ पे, जीरो हो गया। हाँ ठीक है, हाँ जेस का क्वेश्चन था आपका, अलग अलग एग्जाम बहुत बार आए हुए हैं क्वेश्चन आपको, ये सेम क्वेश्चन आपको आता है यहाँ पे, जो है बच्चे मिस्टेक्स करते हैं यहाँ पे, उन्हें पता होता है कि टेम्परेचर घट रहा है मतलब हमको माइनस लगाना है, ये पता होता है, लेकिन माइनस लगाना है तो यहाँ पे चेंज तो करना है वहाँ पे, ये भूल जाते हैं। तो अगर हम माइनस लगा दोगे देखो, एक टीच पर नहीं आएगा, ये टीच पर नहीं आएगा, टी आपको कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आपको सिर्फ T2/T1 आपका आ जाएगा आंसर यहाँ पे, T2/T1 आएगा, जो कि एकदम फर्स्ट ऑप्शन दिया रहता है। ठीक है, तो डेल्टा एस यूनिवर्स का कितना पाओगे, जीरो, क्योंकि उनके बीच में कोई भी इंट्रैक्शन नहीं हो रहे हैं इसलिए। चलो ओके, हम लोग करते हैं बात नेक्स्ट क्वेश्चन की, कोई डाउट है तो बता देना। ये आपका IIT जैम का पे क्वेश्चन है, जिसका एक पार्ट हमने पहले बना रखा है, इसका हम लोग दूसरा पार्ट देखते हैं। द इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ 1 मोल ऑफ ए वैन डर वाल्स गैस, आप लिखो द इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ 1 मोल ऑफ ए वैन डर वाल गैस इज, इतना आपका है जो कि होता भी आपका है, एंड इट्स इंटरनल एनर्जी, एंड इट्स इंटरनल एनर्जी जो आपका है UTV, तो अगर ये रियल गैस है तो इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एज वेल एज ऑन वॉल्यूम, जो आपको दे रखा है U0+CVT-A/V, वेयर U0 and CV आर कॉन्स्टेंट, ये आपको लिखा हुआ है, वेयर U0 CV कैन बी टेकन एज कॉन्स्टेंट। क्वेश्चन आपको बोलता है कैलकुलेट द चेंज इन एंट्रोपी, कैलकुलेट द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द गैस when it undergoes a reversible isothermal expansion from volume V0 to 2V0. चलो तो इसका हमने एक पार्ट बना रखा था जिसमें आपको टी और भी में क्या था आपको रिलेशन बताने थे, इसका सेकंड पार्ट आप बताओ जल्दी से। वैन डर वाल्स गैस है उसके पीवी रिलेशन को दे रखे हैं, और जो इंटरनल एनर्जी है सिस्टम का वो उस हिस्से के हिसाब को दे रखा है, क्या बताना है, कैलकुलेट द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द गैस व्हेन इट अंडरगोज ए रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन फ्रॉम वॉल्यूम V0 टू 2V0।
ट्राई करो सभी लोग। देखो आप लोग आज आंसर बताना, हमें बताना है कि आपका जो है चेंज इन एंट्रोपी कितना आपका हुआ, हमें डेल्टा एस बताना है। व्हेन इट अंडरगोज ए रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन फ्रॉम वॉल्यूम वी नॉट टू टू वी नॉट। ओके, तो देखो डेल्टा एस जो आपका होगा, ये तो मेरे पास यही एक रिजल्ट है, डी क्यू बाई टी फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। और यहाँ आपका हीट एड वैड नहीं कर रहा आप यहाँ पे, तो डी क्यू को आप लिखो कैसे लिखोगे यहाँ पे, फ्रॉम फर्स्ट लो आपका हो जाएगा डी यू प्लस क्या हो गया पी डी भी फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। ठीक है, अब देखो जब आपका गैस है, गैस इज रियल, आपका ये आइडियल गैस नहीं है आपका यहाँ पे। अगर आइडियल गैस होता तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन में आपका जो डी यू होता कितना आपका होता, जीरो होता। लेकिन ये कब होता आपका, जब ये गैस क्या होता है आइडियल होता तब। बट दिस गैस इज नॉट आइडियल, दिस इज रियल गैस। हमें पता है कि यू जो आपका है, यू इज अ फंक्शन ऑफ क्या आपका हो गया यू टी भी, और हम लोग जानते हैं कि देयरफॉर डी यू जो हम लिखते हैं यहाँ पे डी यू कितना हम लिखते हैं यहाँ पे डेल यू बाय डेल टी एट कॉन्स्टेंट भी और डी टी प्लस डेल यू बाय डेल भी एट कॉन्स्टेंट टी इंटू क्या होता है डी भी, और ये पता है। और ये जो आपका टर्म है, ये जो आपका जो टर्म है, इसको हम क्या बोलते हैं इंटरनल प्रेशर का टर्म है आपका, इंटरनल प्रेशर का टर्म आपका होता है जो कहां से आपका आता है इतना। और ये जो मेरा टर्म है क्या आपका है सी भी आपका होता है, तो डी यू आपका कितना होता है सी भी डी टी प्लस ये कितना हो गया, देखो इंटरनल प्रेशर ये मेरा क्या आपका इंटरनल प्रेशर का आपका टर्म है, तो कितना हो गया ए बाय भी स्क्वायर और क्या हो गया डी भी। तो या तो आप इस वाले कॉन्सेप्ट से इसको निकाल लो, ठीक है, या फिर आपको पता है यू देखो यहाँ पे आपको दे रखा है यू नॉट प्लस सी भी और कितना को हो गया टी और माइनस क्या को हो गया ए बाय भी, तो यहां से आप डी यू निकाल लो, डिफ्रेंशिएट कर दो इसको, तो सी भी डी टी और ए बाय भी का कितना होगा डिफ्रेंशिएशन, तो माइनस ए बाय भी स्क्वायर तब हो जाएगा ए बाय भी स्क्वायर, तो आपको दोनों सेम आपको आएंगे रिजल्ट। तो ये आपका अगर ये नहीं भी दिया होता तो आप इसको ऐसा लिख सकते थे, ये दे दिया है आपका काम आसान कर दिया है क्वेश्चन, ठीक है। चलो तो आपको डी यू मिल गए, अब देखो पी डी भी, देखो आप यहाँ पे पी डी भी, पी डी भी तो पी आप यहां से लिखो, पी देखो कितने लिखोगे यहाँ पे आर टी बाय भी माइनस बी और माइनस क्या हो जाएगा ए बाय भी स्क्वायर और इंटू क्या कहोगे यहाँ पे डी भी, ठीक है, आपका ऐसा हो गया, सॉरी यहाँ पे और आपका आएगा डी भी यहाँ पे आएगा, ये छूट गया आपका यहाँ पे, ठीक है ऐसा। सो देखो आपको डी यू मिल गए, पी डी भी मिल गए, सो देयर फॉर डी यू प्लस पी डी भी जो आपका हो जाएगा ए बाय भी स्क्वायर डी भी माइनस ए बाय भी स्क्वायर डी भी, कैंसिल का हो गया, तो क्या क्या हो गया सी भी डी टी और प्लस आर टी डिवाइड बाय भी माइनस बी इंटू क्या हो गया डी भी हो गया, सिर्फ ये बच गया, ठीक है। और सिंस जब का प्रोसेस है आपका यहाँ पे प्रोसेस इज आइसोथर्मल, आपको ये बात यहाँ पे दे रखा है, सो देयरफॉर डेल्टा टी कितना हो गया जीरो, डी टी कितना हो गया जीरो, डी टी आपका जीरो, तो ये आपका जो टर्म था आपका जीरो हो गया, सो डी यू प्लस पी डी भी दैट इज डी क्यू, ये सिर्फ बच गया कितना यहाँ पे आर टी by v minus b into dv, सही है, तो बस हो गया काम खत्म। सो देयरफॉर
आपका हो गया डेल्टा एस, जो आपका हो गया ये आपका हो जाएगा आर टी बाय वी माइनस बी, टी तो आपका कांस्टेंट है, डी भी। तो अब इसमें जो वेरिएबल हो गया क्या आपका हो गया सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम हो गया आपका यहाँ पे, तो वी नॉट सेट टू वी नॉट, और जब इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो कितना पा जाएगा ln के टर्म पा जाएगा आंसर, तो हो जाएगा आर टी और ln और वी माइनस बी, तो कितना पा जाएगा देखो यहाँ पे टू वी नॉट माइनस बी बाय वी नॉट माइनस बी आपका आएगा, ये दिस वन इज द आंसर। ठीक है, कुछ पूछना था देख लो आर टी एल एन टू वी नॉट माइनस बी बाय वी नॉट माइनस बी, आपका रिजल्ट हो गया। अच्छा टी नहीं आएगा, कट गया कहीं, अच्छा हाँ टी कटेगा कहीं पे, डी क्यू बाई टी था इधर ना, ठीक है सॉरी यहाँ पर टी हो गया, तो टी टी कैंसिल, टी इधर आपके से हट गया वहां पे, ठीक है। चलो किसी को कुछ पूछना है तो एक बार देख लो। ठीक है, कोई डाउट है तो वो बता दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, बनाओ आप लोग। लिखो क्वेश्चन, राइट डाउन द एंट्रोपी एस, द एंट्रोपी एस ऑफ ए सिस्टम एट फिक्स्ड वॉल्यूम भी, एट फिक्स्ड वॉल्यूम भी डिपेंड्स ऑन द एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी एज। देखो एस इज इक्वल टू आपका है माइनस एटी क्यूब, माइनस एटी क्यूब माइनस बी टी स्क्वायर प्लस एस नॉट। तो ये आपका जो है इट इज गिवन कि हाउ द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इज चेंजिंग विथ रेस्पेक्ट टू इट्स टेम्परेचर कोमा वेयर ए नॉट सॉरी वेयर ए बी एंड एस नॉट आर कॉन्स्टेंट, वेयर ए बी एंड एस नॉट आर कॉन्स्टेंट फुल स्टॉप। द हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम सी भी, द हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम सी भी इज गिवन बाय, चलो बताओ चार ऑप्शन दे रखे हैं, मैं यहां पे ऑप्शन नहीं लिख रहा, सी भी बताना है आपको, उस सिस्टम का हीट कैपेसिटी बताना है आपको।
जल्दी से हो जाता बता देंगे आप लोग। देखो अब बनाते रहो आंसर, आ जाए तो बता देना क्या दे रखा है आपका यहाँ पे। द चेंज इन एंट्रोपी, एंट्रोपी रिलेशन इज गिवन विथ इट्स टेम्परेचर, ठीक है। ये क्या आपका है एंट्रोपी और टेम्परेचर का रिलेशन आपको दे रखा है। एंड आपसे पूछ रखा है क्या कि जो आपका सीवी है उस सिस्टम का आपको कितना होगा बताना है। और ये पूरा सिस्टम जो आपका है वो वर्क कर रहा है सिस्टम एट फिक्स्ड वॉल्यूम। द वर्ड इज गिवन देयर कि आपका जो एस है ये एस इधर आप कहाँ पे है एट फिक्स्ड वॉल्यूम पे आपका ये एस आप कहाँ पे है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या आपका आया है सी भी आपका आया हुआ है। सो देयरफॉर देखो ये आपका हो गया डी एस, मुझे कितना मिलता है आप कहाँ पे डी क्यू बाय क्या आप हो गया टी हो गया आप कहाँ पे डी क्यू बाय टी, ठीक है। ये हो गया मेरे पास डी एस इक्वल डी क्यू बाय टी। अब डी क्यू देखो सी भी के टर्म अगर लिखना चाहूं मैं यहाँ पे तो कितना आपका होता है एन सी भी डी टी, हम ये लिखते हैं एन सी भी डी टी डी क्यू इक्वल टू ओके। और बाय कितना का हो गया टी हो गया, है ना। तो यहां से देखो सी भी आपको सीधे सीधे आपका आ जाएगा, यहां से कितना आएगा बताओ ये टी और फिर ये आपका क्या हो गया डी एस बाय डी टी। तो ये आपका क्या हो गया सी भी इक्वल टू टी डी एस बाय डी टी। आगे हम जब पढ़ेंगे हम लोग जब पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक रिलेशंस पढ़ेंगे या फिर थर्मोडायनामिक पोटेंशियल पढ़ेंगे, अगला हम लोग का पढ़ना है ये चीज, तो आपको ये सब रिलेशन आपको मिलेंगे वहां पे टी डी एस बाय डी टी ओके। ये आपका आ गया सी भी। तो अब बस हो गया देखो टी और डी एस बाय डी टी, इसको आप डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर टी, तो कितना आपका आ गया माइनस थ्री ए टी स्क्वायर एंड माइनस टू बी टी और प्लस एस नॉट कितना आपका हो गया जीरो हो गया। तो बस हो गया आपका आंसर देखो तो कितना आपका हो जाएगा माइनस थ्री ए टी क्यूब एंड माइनस टू बी टी स्क्वायर, बस दैट्स द आंसर। ठीक है चलो एक लास्ट हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन इसमें और उसके बाद आपसे क्लास हम लोग एंड करेंगे। और फिर जब हीट इंजन नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे हीट इंजन के बारे में, हीट इंजन के साथ हम लोग फिर से एंट्रोपी पाएंगे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे एंट्रोपी के हीट इंजन के। तो आज हमने जो प्रॉब्लम सॉल्व किया वो सिर्फ और सिर्फ एंट्रोपी रिलेटेड थे, कुछ भी हमने इसमें मिक्स नहीं किया था। नेक्स्ट लोग मिक्स करके पढ़ेंगे हम लोग। एक क्वेश्चन और आपका है, शॉर्ट में मैं आपको समझा रहा हूं कि कोई आपका सिस्टम है जिसका आपका सी भी दे रखा है 80 प्लस बी टी क्यूब, सी भी इज गिवन 80 प्लस बी टी क्यूब, ठीक है। ये आपका मैं क्वेश्चन आपको पढ़ देता हूं, एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट ऑफ हीट कैपेसिटी पर मोल ऑफ एल्यूमिनियम एट लो टेम्परेचर low temperature shows that the data can be fitted to the formula CV is equal to 80 plus BT cube where A और B के जो values हैं वो दे रखे हैं। आपको बताना है the entropy of such system is given by The entropy of such system is given by, कैसे लिखोगे बताओ जल्दी से। सी भी आपको दे रखा हो सिस्टम का, आपको एंट्रोपी बताना है सिस्टम का कितना होगा एंट्रोपी। देखो कुछ नहीं करना आप कहां पे, अगेन यू स्टार्ट फ्रॉम हियर डी एस इज इक्वल टू डी क्यू बाय टी,
है ना। और DQ जो आपका है, आपको क्या लिखना है, CV DT by T। ओके, और एंट्री बताना आप कहाँ पे एस, तो इंटीग्रेट कर लो आप यहाँ पे। इधर आपका क्या हो गया, एस हो गया मान लो, और इधर क्या हो गया, CV। तो आपको इधर गिवेन है AT+BT³, और आपका हो गया DT/T। इसको बस सॉल्व कर लो आप यहाँ पे, तो T, तो A DT, तो क्या हो जाएगा, फिर से आपका AT है आपका हो जाएगा, एंड देन BT³/T, तो BT² तो देन T²/DT, सो इट इज BT³/3, और प्लस एक कांस्टेंट दे दो आपका C, एक कांस्टेंट हो गया। ठीक है, चलो एनी डाउट। ओके, तो आज से हम लोग क्लास एंड करते हैं। आज हमने एंट्रोपी सीखा, एंट्रोपी क्या होता है मैंने उसको समझाने की कोशिश की, और उसके बेसिस पे हमने कुछ प्रॉब्लम्स कर लिए जो आपके जैम और जेस में आए हुए थे प्रॉब्लम्स। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, हीट इंजन पढ़ेंगे, कार्नोट इंजन, एंड देन उसके साथ हम लोग क्या करेंगे, इसके फिर एंट्रोपी फिर से लौटेंगे, इसके प्रॉब्लम्स से लौटेंगे फिर से, इन कंबाइंड विथ हीट इंजन। और उसके बाद हम लोग जाएंगे तो फिर हम लोग पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक रिलेशंस। ठीक है, थर्मोडायनामिक रिलेशंस, और उसमें कुछ रिलेशंस हैं जो कि बहुत आपके जो जैम का जो है उसमें बहुत सारे ऐसे नहीं आते, छोटे से आपको कुछ जानना है। नेट जारे में जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट आपका होता है थर्मोडायनामिक रिलेशंस, तो आपके लिए जितना जरूरत है मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद हम फिर जाएंगे स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में, आपको जानना है माइक्रो स्टेट्स, माक्रो स्टेट्स और एनसेम्बल के बारे में जानना है। बस इतना ही आपके लिए है IIT जैम के लिए, ये स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स का ये खत्म हो जाएगा कहाँ पे। ठीक है, चलो तो ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।